सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मन्नी राम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त की प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न 4 से आगे 4 और 4 से आगे की कराने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक समझना और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आकृति प्रश्न 4 है, आकृति 12.32 में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस पर प्रतिच्छेद करती हैं? एक दूसरे को ई पर। सिद्ध कीजिए कि चाप DA बराबर चाप CB। आपको विद्यार्थियों दिया है कि वृत्त की दो समान जीवाएं, कितनी जीवाएं वृत्त की? दो समान जीवाएं। ये वृत्त है और वृत्त की ये दो समान जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? ई पर। ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चाप डी ए, ये चाप डी ए, और दूसरा सी बी, सी बी ये चाप बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए चार बिंदु से गुजरना होता है। पहला बिंदु दिया हुआ, दिया हुआ क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ए बी व सी डी दो समान जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना में क्या दे रखा है कि डी ए, डी ए चाप डी ए बराबर चाप सी बी, ये आपको सिद्ध करना है कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है रचना। तो रचना में हमने क्या किया कि प्रश्नानुसार जो चित्र है वो बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। इसके बाद में चौथा पॉइंट आया उपपत्ति कि जीवा ए बी है वो जीवा सी डी के बराबर है, ये आपको दिया है। जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, तो चाप ए बी बराबर क्या होगा? चाप सी डी। अब चाप बी ए बराबर चाप बी डी, चाप बी ए बराबर चाप सी डी, बी ए बराबर चाप बी ए बराबर चाप बी, बी ए चाप बी ए बराबर चाप सी डी। अब बी डी बराबर बी डी, तो बी ए में से बी डी घटा दें तो क्या बचता है? डी ए बचता है, और सी डी में से सी बी घटा दें, सी डी ए, सी डी में से बी डी घटा दें तो क्या बचता है? सी बी। तो चाप डी ए बराबर चाप सी बी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले पहला पॉइंट लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? एक वर्त, वर्त की दो समान जीवाएं, दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र ओ है तथा दो समान जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो अपन को दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी व सी डी दो जीवाएं एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी, चाप डी ए बराबर चाप सी बी। तीसरा पॉइंट है रचना।
रचना में क्या किया कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार क्या किया चित्र बनाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि जीवा ए बी जीवा है और सी डी जीवा है, समान जीवा है, तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी दिया है तो ए बी बराबर सी डी लिख दिया। अब लघु चाप ए बी बराबर लघु चाप सी डी, लघु चाप ए बी बराबर लघु चाप सी डी। अब बी डी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी चाप है देखो ये, इसमें बी डी ये है, सी डी चाप है ये, इसमें बी डी चाप ये है, तो बी डी चाप बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ है। तो चाप बी ए में से चाप बी डी घटाते हैं तो क्या बचेगा चाप डी ए, और चाप सी डी में से चाप बी डी घटाते हैं तो क्या बचेगा चाप सी डी। तो बी ए माइनस बी डी, सी डी माइनस बी डी घटाया तो यहां पर बच गया डी ए चाप, यहां पर बच गया सी बी चाप, अतः चाप डी ए बराबर चाप सी बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आप ध्यान पूर्वक समझना है। इसके आगे है प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न पांच है कि आकृति में, आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त के समान जीवाएं हैं और वृत्त का केंद्र ओ है। ये देखो वृत्त है, ये क्या है वृत्त, और वृत्त की समान जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी दो समान जीवा होगी ए बी और सी डी। ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, किस पर प्रतिच्छेद करती हैं ई पर, ये मान लीजिए यहां पर वृत्त का केंद्र है, इसे लंब इस पर ये डाल दिया, इस पर लंब ये डाल दिया, ये एम पर और ये एन पर इनको मिला दिया। तो देखो ए बी और सी डी एक वृत्त के समान जुड़े हैं, तो हमने क्या किया सबसे पहले वृत्त, एक वृत्त बनाया, वृत्त में दो समान जीवा, एक तो ए बी थी और एक जीवा सी डी थी, ए बी और सी डी। ओ एम लंब है, ओ एम लंब दे रखा है ए बी पर, तो ओ एम लंब ए बी, ओ एन लंब सी डी पर दे रखा है तो सी डी और एम एन को मिला दिया। अब सिद्ध करना है कि कोण ओ एन एम एन ये कोण और कोण ओ एन एम ये कोण ये बराबर है, ये सिद्ध करना कि कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम ये बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि किसी भी सिद्ध करने वाले सवालों में चार बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला होता है दिया हुआ, दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या विद्यार्थियों, दिया हुआ एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ एम लंब ए, ओ एम लंब ए बी पर है, ओ एन लंब सी डी पर है, सिद्ध करना है ओ एम एन बराबर ओ एन एम कि कोण एम का मान कोण एन के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तीसरा रचना, रचना में क्या क्या कि चित्र बनाया प्रश्नानुसार। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। विद्यार्थियों उपपत्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें देखो आपको ये दे रखा था कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, और हमने पढ़ा कि अगर वृत्त की समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र से दूरी भी समदूरस्थ होती है, यदि वृत्त की जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी भी क्या होती है समान होती है, तो ओ एम बराबर क्या होगा ओ एन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। फिर ये हो गया ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन क्यों, क्योंकि
समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ओ एम बराबर ओ एन हो गया। अब त्रिभुज ओ एम एन में भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन, त्रिभुज ओ एम एन में भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें दो भुजाएं समान है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब दो भुजाएं बराबर हैं ओ एम और ओ एन, तो ओ एन के सामने भुजा का कोण एम और ओ एम की भुजा के सामने का कोण एन, ये कोण भी आपस में बराबर हैं, और ये आपको सीधे करना है। आप देखो विद्यार्थियों कि आकृति 12.33 में ए बी और सी डी एक वर्त की समान जीवाएं हैं। एक वर्त की समान जीवाएं, वर्त का केंद्र ओ है, ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कोण ओ एम एन बराबर ओ एन एम। सबसे पहले दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र ओ है, दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र ओ है, ए बी और सी डी वर्त की समान जीवाएं हैं। ए बी और सी डी वर्त की समान जीवाएं हैं, ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी, ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी है। सिद्ध करना है कि कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम, कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। रचना, प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अगला पॉइंट है उपपत्ति, ए बी व सी डी वर्त की समान जीवाएं, जीवाएं ए बी व सी डी, ए बी वह सी डी वर्त की समान जीवाएं हैं, तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी लिख सकते हैं। वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये प्रमेय है, ये हमने पढ़ी है, और हम जानते हैं कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं या समान दूरी पर होती हैं, तो ओ एम बराबर हो गया ओ एन। त्रिभुज ओ एम एन में, त्रिभुज ओ एम एन में भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन, त्रिभुज ओ एम एन में भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन। अब त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ओ एम एन में भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन, अतः ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी क्या होंगे विद्यार्थियों, समान होंगे। तो कोण ओ एम के सामने की भुजा है, सामने का कोण होगा एन, और ओ एन के सामने का कोण होगा एम, तो ओ एन के सामने का कोण एम, तो कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। इति सिद्धम। ये था कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है 6, आकृति में ओ और ओ डैश दिए गए वर्तों के केंद्र हैं। आकृति में ओ और ओ डैश दिए गए वर्तों के केंद्र हैं। ए बी समांतर ओ ओ डैश है, ए बी समांतर ओ ओ डैश है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर दो ओ ओ डैश। क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर ओ दो ओ ओ डैश। अब कि दो वर्त जिनके केंद्र क्या हैं, ये दो वर्त हैं,
एक का केंद्र ओ है, दूसरे का ओ डैश है और ये इसकी जीवा है एपी। इससे लंब डाला ई, इससे लंब डाला डी, इनको मिला दिया। ये तो है इसका चित्र कि दो वर्त हैं जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं, वर्तों के केंद्र ए बी, ए बी किसके समांतर है, ओ ओ डैश के, ए बी ओ ओ डैश के समांतर है, ये दे रखा आपको। और सिद्ध करना है ए बी बराबर टू ओ ओ डैश, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वही सबसे पहले दिया हुआ दो वर्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश हैं, ए बी समांतर ओ डैश है, दो वर्त जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं तथा ए बी समांतर ओ ओ डैश है, सिद्ध करना है ए बी बराबर दो ओ ओ डैश। रचना प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। उपपत्ति में ए बी समांतर ओ ओ डैश, ए बी समांतर ओ ओ डैश, तो ओ डी लंब है किस पर, ए सी पर, और ओ डैश ई लंब है बी सी पर। ओ डी लंब किस पर है, ए बी पर, और ओ डैश ई लंब भी ए बी पर। अब आप समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी वर्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो वो लंब जीवा का संधिभाजन करता है। केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो लंब जीवा का संधिभाजन करता है। तो बीई ईसी बराबर बीसी बटा दो, या बीसी बराबर क्या होगा, दो गुणा ईसी, वजर गुणा कर दिया दो गुणा ईसी, एक नंबर। इसी प्रकार से सी डी बराबर सी डी ए बराबर ए सी बटा दो, या ए सी बराबर क्या होगा, दो गुणा सी डी, दो गुणा सी डी। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो ए सी और ए सी को जोड़ दिया, ए सी और बी सी को, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ए सी प्लस बी सी बराबर दो ई सी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी सी बराबर होता है ए बी, ए सी प्लस बी सी बराबर हो गया ए बी, दो ई सी प्लस दो सी डी, तो दो कॉमन ई सी प्लस सी डी, और ई सी प्लस सी डी बराबर हो गया ई डी, तो ए बी बराबर हो गया टू ई डी। अब ई डी ओ डैश को एक आयत है, ई डी ओ ओ डैश एक आयत है, और आयत में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ई डी बराबर आ गया ओ ओ डैश, ई डी ओ ओ डैश एक आयत है और आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ई डी बराबर ओ ओ डैश। समीकरण तीन और चार से, समीकरण तीन व चार से ए बी बराबर क्या आया, दो ओ ओ डैश, इति सिद्धम। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है, दोबारा ध्यान से समझो। देखो कि सबसे पहले दिया हुआ कि दो वर्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश हैं तथा ए बी समांतर ओ ओ डैश है, सिद्ध करना है ए बी बराबर दो ओ ओ डैश। रचना प्रश्नानुसार चित्र बनाया, उपपत्ति ए बी समांतर ओ ओ डैश, केंद्र ओ से जीवा पर लंब डाला तो ओ डी लंब ए बी और ओ डैश ई लंब है, और ओ डैश ई लंब है ए बी। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, तो बी ई ई सी बराबर बी सी बटा दो, या बी सी बराबर दो गुणा ई सी, बी सी बराबर दो गुणा ई सी। इसी प्रकार से दूसरे वर्त के केंद्र ओ से सी डी डी ए बराबर ए सी बट्टा दो, या
एसी बराबर दो सी डी। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर एसी प्लस बीसी बराबर दो ईसी प्लस सी डी। एसी प्लस बीसी हो गया एबी और दो कॉमन लेते हैं तो ईसी प्लस सी डी। ए बी बराबर दो ई डी। अब ई डी ओ ओडेस एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो ई डी बराबर ओ ओडेस। समीकरण तीन और चार से ए बी बराबर क्या आया दो ओ ओडेस इति सिद्धम। इसके आगे है प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात प्रश्न नंबर सात है कि एबी व सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं। एबी व सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं एबी 10 सी डी 24। एबी समांतर सी डी। एबी व सी डी के बीच की दूरी है 17 तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो। ये वृत्त है, इस वृत्त की ये दो जीवाएं हैं एबी और सी डी। ए बी है 10, सी डी है 24। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला ये क्यू और ये पी, तो वृत्त के केंद्र से दोनों जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी दे रखी है आपको 17। तो मान लीजिए ये दूरी एक्स है, ओपी दूरी कितनी है एक्स, तो ये कितनी हो गई 17 माइनस एक्स। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये 10 है पूरी जीवा, तो ये हो गई 5 5 कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। ये 24 है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजन करता है तो ये हो गई 12 12। ये त्रिज्या और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए आपको निकालना क्या है वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो विद्यार्थियों ये दो समकोण त्रिभुज है, एक तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए और एक है ओ क्यू सी। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आर बराबर क्या आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर। दूसरा त्रिभुज ओ क्यू सी में आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सहायता से 289 हो जाएगा और 17 दुनी 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। देखो ए बी और सी डी एक वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी 10 सेमी सी डी 24 सेमी और ए बी समांतर सी डी है। ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात हो। तो सबसे पहले ये विचित्र बनाया, ए बी है 10 सेमी और सी डी है 24 सेमी, इनके बीच की दूरी है 17 सेमी। जीवा ए बी व जीवा सी डी के बीच की दूरी कितनी है 17 सेमी। तो जीव वर्त की जीवा ए बी 10 सेमी सी डी 24, ए बी समांतर सी डी, ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी, ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है विद्यार्थियों आर, तो ओपी हो गया एक्स, ओक्यू हो गया 17 माइनस एक्स। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, तो एपी बराबर पीपी बराबर ए बी बट्टा दो 10 बट्टा 2 यानी कि 5 सेमी। सी क्यू प्लस क्यू डी बराबर 24 बट्टा 2 12 सेमी। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण है आर तो आर का स्क्वायर आधार 5 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर आया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 17 का वर्ग 17 17 279 17 दुनी 34 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण दो,
समीकरण एक और दो से ये भी आर स्क्वायर बराबर है और ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, इसलिए समीकरण एक और दो से इनको मानों को बराबर करते हैं। 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 289 माइनस 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स पक्षांतरण किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स, एक्स स्क्वायर तो है और माइनस 34 को इस साइड में ले प्लस का होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 433 माइनस 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 34 एक्स बराबर 433 में से 25 घटाया तो ये आया 408, 408 में 34 का भाग दिया तो यह आया 12, x का मान 12 समीकरण एक में रखने पर तो r स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144 तो r स्क्वायर बराबर 169 और r बराबर 13, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 13 आई। विद्यार्थियों आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।